ये भी बता दो, हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्ना सा प्यारा सा मेहमान आने वाला है, कौन हो? तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस बस, अब सुबह सुबह मौसम बड़ा अच्छा था और पौधों को मैं पानी देने आया हुआ था। मैंने कहा पौधों को पानी दे देते हैं। और हमारे पास कमेंट्स आया हुआ था, पंजाब से आया था। कहाँ से आया था? पंजाब से आया था कमेंट्स। वो पूछ रहे थे कि आपके जो ऊपर मतलब बगीचे में कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, तो एक बारी हमें दिखा देना। अगर आप भैया, अगर आप दिखा सकते हो तो, मतलब कितने सारे वो है, क्या कहते हैं, प्लांट कौन कौन से हैं, क्या है? देखो गाइस, प्लांट का नाम तो मुझे पता नहीं है, मैं फिर भी आपको फ्लावर्स दिखा देता हूँ। एक तो पीछे दिखाई दे रहा, ये देखो, ये रेड कलर का है, ठीक है। बाकी और भी फूल है, मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। सुंदर सा ये फूल है, रेड कलर का। एक ये वाइट कलर का है, ये प्राजक्ता बोलते हैं इसका, तो पता है। क्रिसमस ट्री का पौधा इतना बड़ा हो चुका है, कड़ी पत्ते का तो आपने ये देखा हुआ था। बाकी ये बेले वगैरह सारी लगी हुई हैं, आप देख लो एक बारी अच्छे तरीके से। मैं बाकी दिखाता हूँ। होता है सदाबहार का, ये सदाबहार बोलते हैं। ये पर्पल कलर के हैं गाइस, यहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं सारे। बाहर कितने सारे पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर। ये हमने रखा, ये एलमोनियम का पतीला था, बहुत पुराना ये पतीला है। इसको भी कम से कम भी, ये लट मतलब लोटस है जैसे, इसको भी कम से कम भी 20-22 साल हो गए यार देखते देखते। एलमोनियम का था, ख़राब नहीं हुआ था। अब ये नहीं बताया उन्होंने कहाँ से बोल रहे हैं, पंजाब से उन्होंने लिखा था। तो मैंने रेनू जी आपको दिखा दिया, अपने सारा जो प्लांट वगैरह था वो दिखा दिए हैं। बाकी नीचे वाले प्लांट भी है, फिर वो मैं कभी दिखाऊंगा। और बस अब करते हैं आप बाकी के कार्य हैं, नाश्ता करते हैं और चलते हैं शॉप की ओर। कोको को देखो, बिल्कुल माँ जी की सैटी पर बैठी हुई है। कोको माँ जी की सैटी पर बैठी हुई है, बिल्कुल ये ना, बिल्कुल जब उदास होती है तो माँ जी की सैटी पर आके बैठ जाती है, बिल्कुल माँ जी की तस्वीर के पास बैठ जाती है यहाँ पे। कोको क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? इसलिए ऐसे ही बाहर देख रहा था, दोस्त आने वाले हैं। दोस्त आने वाले? कहाँ जाना है? कहीं नहीं, वो ऐसे मिलने आ रहे हैं। आज छुट्टी है कॉलेज की? सैटरडे आज छुट्टी है। सैटरडे छुट्टी है। अब जिम कब जाना है? शाम को? शाम में जाऊंगा। चलो ठीक है, नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता कर लिया। चलो बढ़िया। बहनिया आई है, मिलेगा जब हमारे कैमरा में बन जाते। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, फूल ले। फूल चोरी हो रहा है हमारा। ये भी ले ले, प्राजक्ता वाला फूल। प्राजक्ता के फूल, इसकी चाय किसी मतलब उनका किसी फैमिली मेंबर का कमेंट्स आया था। इसमें चाय में बनाओ, ब्लू कलर की बहुत टेस्टी थी चाय। तो गाइस, डॉली बना रही है दोपहर को पास्ता। आज पास्ते का लंच है, अच्छा बच्चों की फरमाइश थी। टमाटो वाटो और ये कैप्सिकम है, अभी बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो हो रहा तैयार पास्ता? हाँ जी, बना रही। बस बना रहे हो? बनाओ। क्या क्या डालना है इसमें मसाले? मैंने इसमें अभी तो सिर्फ लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई किया, प्याज डाला, अब शिमला मिर्च और बस टमाटर वगैरह डाल के। टमाटर ज्यादा नहीं, एक ही डाला मैंने टेस्ट के लिए, बस टेस्ट के लिए डाला है। चलो बनाओ पास्ता, बना लो भैया। लंच में पास्ता खा लेते हैं, आज करेंगे। नाश्ते में तो बना नहीं, लंच में बन जाएगा। हाँ तो आप रोटी खा लेना। अच्छा जी, अच्छा कैप्सिकम है ना? वो भी कैप्सिकम भी डाल, वो भी हाँ जी, वो रखा हुआ था ना सलाद का, पत्ते रखे हुए थे। अच्छा वो भी डाल दिया? वो भी डाल दिया, इससे बढ़िया फ्लेवर सही आ जाएगा। कलर पिज्जा, पिज्जा पास्ता वो डाल देना। पिज्जा पास्ता वो मेयोनीज, हर्ब्स, मेयोनीज, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स वगैरह सब। ये वाइट पास्ता बना रही हूं मैं अब, इसमें ये सूजी वाला पास्ता, वैसे भी हेल्थी पास्ता है ये वाला। हाँ। तो गाइस ये वाला सूजी वाला पास्ता है, ये देखिए सूजी वाला पास्ता है। ये वगैरह भी तो जाएगा अभी। वाइट सॉस, वाइट सॉस वाला बना रही है, वाइट सॉस पास्ता। चलो बढ़िया बना लो। ये बढ़िया सा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है, वेजिटेबल वाला बढ़िया सा बन गया वाली पास्ता। चलो लंच करते हैं पास्ते का। एंजॉय कर रहा है लंच के अंदर पास्ता, साथ मम्मा बुला रही है। बेटे मम्मा बुला रही है। हाँ जी, ट्यूशन का टाइम हो गया है, आज छुट्टी थी। अच्छा बने पास्ता? स्पाइसी है? नहीं है स्पाइसी? नहीं है स्पाइसी, डालना तूने कुछ। गाइस एक सार्थक का प्लेटर हो गया तैयार बॉक्स के अंदर, इसने पास्ते के अंदर मिला दिया है सैलेड। कुछ नहीं, सामान सही कर रही हूँ, उतार रही हूँ, रख रही हूँ सामान। हटाना है, कितने टाइम से बोली जा रही हूँ हटाओ हटाओ, सुनते ही नहीं हो। अच्छा काकू? हाँ जी।
ट्यूशन जाने का तेरा टाइम होने वाला बेटा, कितनी देर में जाओगे ट्यूशन? अभी जा रहे थोड़ी देर में, बस इंजरी में इसको इसको उठा दो। आओ जी, कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन। छुट्टी नहीं आज? कल है। चलो तैयार हो गए हो? सारी पढ़ाई कर ली है, होमवर्क वगैरह सब? तो गाइस टाइम हो गया है चाय पीने का, और मेरे पास कमेंट्स आए हैं फैमिली मेंबर के किसी के, उन्होंने कहा है कि भैया एक बार ही ना आप अपने मतलब बचपन का दिखाना, आप कहाँ रहते थे कहाँ नहीं। रहते तो हम यहीं पर हैं, दिल्ली में ही हैं, तिलक नगर के पास, मगर जो नानी जी के घर बचपन जो मेरा बीता था, कभी किसी दिन जाऊँगा तो वहाँ का सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा मैं, ठीक है ना। और रोहिणी का भी मैं दिखाऊँगा जहाँ पर सेक्टर 15 में मेरी शॉप थी। आपके कमेंट्स बड़े आ रहे हैं, अब टाइम नहीं मिल पा रहा निकलने का, और जिस दिन निकलूँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा, ठीक है जी। बस मंदिर आया था मत्था टेकने के लिए, मत्था टेक लिया, अब चलते हैं शॉप पे। गाइस ये बन रहा है हमारा तवे के ऊपर पास्ते वाला सैंडविच है, मैंने इसमें चीज़ फ्राइज थोड़े से डाल दिया है, सॉस डाल दिया है, और तवे में बन रहा है हमारा पास्ते वाला सैंडविच है। ये पास्ता डाला हुआ अंदर सारा। जिम से स्कूटी लेके और कोको चले गई है, कोको बैठेगी अब इसके स्कूटी पे, ये बैठ गई है, बैठ के आएगी अंदर अब। ये कोको ने झूठे खा लिए। क्या लेकर आया? बर्तन आया था। बर्तन, कप, प्लेटें और कटोरियाँ। हाँ, अच्छा, दो एप्पल लेकर आया। हाँ, आए यान, क्या बन रहा भाई? तुम्हारे कुकर की सीटी की आवाज आ रही है बड़ी ऊपर तक। पता नहीं, राजमा बना रही है। राजमा डॉली, राजमा बन रहे, हमने तो कुछ बनाया नहीं आज। नहीं, हाँ खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, खा लेंगे बिल्कुल। और पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, चल रही तेरी? तो गाइस मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, सही करी ना श्रीलंका साउथ अफ्रीका। तू नीचे आके बैठ गया अब। ये निक्की चाची क्या कर रही है? कोको आलू की सब्जी बनाई थी डॉली ने, आलू की सब्जी। हाँ, दोपहर को खा ली राजमा चावल, अभी आलू की सब्जी डॉली ने बना ली थी आज, दो तीन दिन पहले। नहीं, हफ्ता हफ्ता हो गया। हाँ, बड़े दिन हो गए उसको। ये कैसे चिल्ला रही है तेरे को, वो केक रस के पीछे कैसे चिल्ला रही है? हाँ हाँ, तो कैसे खा रही है? खुल गया लिफाफा, खुल गया, मांग रही है, मांग रही है, कैसे कर रही है आप? तो कोको ने फटाफट रस पकड़ लिया, अब ये भाग गया, अपने इलाके में जा रही है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई साहब, आप आ जाओ। तो तेरे तो स्पाइसी होते हैं राजमा चावल? नहीं, फीके होते हैं। बिल्कुल खा लिया तुमने? खा लिया, डिनर कर लिया? लंच ही निकल रहा है, लंच आ रहा है, लंच ही निकल। चलो आओ प्रभुदेव, आ जाओ ऊपर। तो गाइस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और इसी के साथ, और साथ में आपको ये भी बता दें, हमारे घर में बहुत जल्दी ही एक नन्ना सा प्यारा सा मेहमान आने वाला है। कौन होगा वो मैं आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। डॉली, गैस करो, डॉली जी बताओ, आप बताओ, 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 बताओ। मेरा तो बड़ा दिल है दो रैबिट लेके आने का, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और बड़े पालने के, उनको देखने में बड़ा प्यारा लगते हैं। मेरे को डॉग लाने में। अब ये दोनों जेने ना, मतलब दोपहर से ही इन्होंने, मैं इनको यही कह रही हूँ, पर वो ही है, फिर ये कह रहे हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो, घर में पहले ही दो डॉगी हैं, तो दो डॉगी हैं, अब ये कह रहे हैं रैबिट लेके आना है, तीसरा लेंगे, दो है तो ना तीसरे। ये कह रहे डॉगी, काकू कह रहे डॉगी लेके आने, डॉली कह रही रैबिट लेके आने हैं, और पहले डॉगी है रैबिट ले आए, पर रखेंगे कहाँ? ये बात भी सही है, रखेंगे कहाँ? छत पे, छत पे ऊपर पिंजरा बना देंगे रैबिट का, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा पिंजरा, नहीं घर बना देंगे बढ़िया सा, जब उनको खोलेंगे उनको देख कर खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे फिराएंगे, उसके बाद फिर पिंजरे में चले जाएंगे वो अपने। तो गाइस पहले हमने छत पे मुर्गियां भी पाली हुई थी, मछलियां भी पाली हुई थी, एक हमारे घर में डॉगी था जिसका नाम था डॉलर, बहुत पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, डॉलर नाम, डॉली दे पता है ना तुझे? डॉली को सब याद है, देखा है इसको, जैसे पूछी ब्रीड थी ना वैसे ही था, वैसे था, वैसे दो दो हमारे घर में टाइप का था, सच वो डॉलर आदमी था ना, डॉलर आदमी था, यार डॉली के डॉली आदमी था, डॉलर आदमी था, क्या बोलूं अभी, मेल था ना, मेल था, मेल था, मतलब आदमी नहीं, माय गॉड,
हाँ मान करती हूँ। हाँ यही सीन डालेंगे 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 यार आते हैं। मेरे को नहीं समझ आ रही थी, बोल दिया मैंने ये भी डालेंगे, अब सब डालेंगे। सही मजाक करते हो। तो गाइस मतलब हमने मुर्गियां भी पाली हैं, मछलियां भी पाली हुई हैं, और क्या कहते हैं गाइस हमारे गांव में बहुत कुछ हमने देखा, बस इन्होंने कुछ नहीं देखा। गाय भेड़ मछली मुर्गी कछुआ सब कुछ, और वो भी बकरियां। ये गांव वालों ने सब कुछ देखा, शहर वालों ने कह रही कुछ भी नहीं देखा। हमने बहुत कुछ देखा ही नहीं है ना। झूला झूलते थे, उनके नीचे से सांप निकला था। मम्मी बड़ी स्टोरी सुनाती है। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इंतजार करना, रैबिट आएंगे या डॉग आएगा एक बार आप भी कमेंट्स करके बताना जरूर, ठीक है ना? क्या लेना चाहिए, ठीक है? बाय बाय।